नमस्कार, आज हम आपको करवाने जा रहे हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे तुम अपने विद्यालय जाओ, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पे तुम और दूसरे वाक्य में मैं सर्वनाम है। आइए हम आपको कुछ और उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं। जैसे सत्यम एक डॉक्टर है, सत्यम मेरा भाई है, सत्यम मेरा अच्छा दोस्त है। हमने इन वाक्यों में सत्यम 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 कहा, इसमें संज्ञा है सत्यम, हमने उस सत्यम को कोई दूसरा नाम नहीं दिया। दूसरे उदाहरण में देखिए, सत्यम एक डॉक्टर है, वह मेरा भाई है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। पहले वाक्य में सत्यम एक डॉक्टर है, सत्यम एक संज्ञा है। हमने दूसरे वाक्य में सत्यम को वह कहा, वह मेरा भाई है। उसके अगले वाक्य में हमने कहा वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो सत्यम के लिए हमने वो शब्द यूज़ किया जो कि सर्वनाम था। अब आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रेषणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम आदि। ये सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए तीनों पुरुषों का बोध करवाते हैं। अब ये तीनों भेद कौन से हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं। उत्तम पुरुष, फिर आता है मध्यम पुरुष, फिर आता है अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे उत्तम पुरुष हैं। जैसे मैं, हम, हमारा। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने के लिए वाले के लिए किया जाता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। उसके बाद आता है अन्य पुरुष, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है उसे अन्य पुरुष नाम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसकी, वे, उनका, उनकी, इसका, इसकी आदि। उसके बाद नंबर 2 पे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वे क्या कर रहे हैं, यह मेरी किताब है। यह का प्रयोग, विशेष रूप से यह का प्रयोग पास की वस्तु का ज्ञान करवाने के लिए। जैसे यह सुंदर वन है, यह मेरी बहन है। पहले कही गई संज्ञा या वाक्य के स्थान पर, जैसे यह बहुत अच्छी फिल्म है, जब हम संज्ञा से पहले उसको सर्वनाम बताते हैं तो वहाँ पे आता है यह। उसके बाद आता है अनिश्चय सर्वनाम, जिस सर्वनाम पद से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो, जब हम किसी चीज़ के लिए पूरे श्योर ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ कोई रहता है, दूध में कुछ पड़ा है, कोई आया था। विशेष सजीव प्राणियों के लिए और कुछ निर्जीव प्राणियों के लिए यह प्रयुक्त होता है। कोई और कुछ का प्रयोग एक वचन और बहुवचन हम दोनों के लिए भी कर सकते हैं। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करें उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जो का संबंध वो के साथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी के साथ उसका संबंध, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा का संबंध वैसे के साथ। इस प्रकार विशेष रूप से जो, जिसे, जिसने, जिसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला आता है प्रेषणवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी प्रेषण का बोध हो उसे प्रेषणवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो प्रेषण है वो सर्वनाम से ही पूछा जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, तुम कहाँ काम करते हो, तुम्हारे थैले में क्या है, तुम्हारे थैले में क्या है। तो सर्वनाम से ही प्रेषण पूछा गया, तुम्हारे थैले में क्या है, कौन, किसने, कभी, को,
ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक के लिए करते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ अपने लिए आप शब्द का या अपने आप का लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, तुम अपना काम खुद करो, उसने अपना पत्र स्वयं लिखा। जो अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे ये थे सर्वनाम के 6 भेद, जिनके बारे में हमने आपको आज बताया।